कि यदि मेरी हत्या होती है तो उसके जिम्मेदार यहाँ के कप्तान और यहाँ के एसपी होंगे, मामला क्या था? अगर मेरी हत्या होती है जब तक मुझे सुरक्षा न मिले तो कुशीनगर के एसपी धौल जायसवाल और कुशीनगर के जिलाधिकारी एस राजलिंगम को हमारे परिवार के लोग मुख्य अभियुक्त बनाएंगे मेरी हत्या होती है। चिल्लू पार के विधायक जो इस सरकार में मंत्री रहे हैं उनके गांव में आप गए थे और उनके ही गांव में पानी के नाली के निकास का व्यवस्था नहीं था और आपने सवाल खड़ा कर दिया, उन्हीं को घेरे में ले लिया। ऐसे लोगों को हम बहुत पसंद करते हैं और आपको मैं बधाई देता हूँ कि आप बेबाकी ढंग से जो पूछते हैं आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, हमारी शुभकामना है। अपने समय मतलब कि जब आप विधायक थे उस समय आपने क्या क्या काम किया और अगर तुलनात्मक रूप से अभी की मौजूदा समय की विधानसभा की जो स्थिति है उसको देखा जाए तो कितना अंतर पाते हैं? गोरखपुर में एम्स बना तो मेरे संतुति पर माननीय अखिलेश यादव जी ने जमीन दिया तो भारत सरकार ने बनाया। अगर हमने 3,000 करोड़ की जमीन दिया का क्रेडिट तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लेती है। अगर मैंने 3,000 करोड़ की जमीन दिया तो 1,000 करोड़ रुपया नगर पंचायत चुनाव को लेकर और खासकर जो हाटा में नगर पंचायत का चुनाव होना है उसको लेकर आपकी किस तरह से नजर है और क्या लग रहा है आपको किस तरह जाने वाला है नगर पंचायत का चुनाव? चूंकि आप दो बार से रामकोला विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक रहे और तीसरी बार आप हाटा से रहे और आप की जो छवि है अभी अभी मैंने बताया कि किसानों के नेता आप माने जाते हैं यहाँ के जितने भी स्थानीय किसान हैं। अपने समय मतलब कि जब आप विधायक थे उस समय आपने क्या क्या काम किया और अगर तुलनात्मक रूप से अभी की मौजूदा समय की विधानसभा की जो स्थिति है उसको देखा जाए तो कितना अंतर पाते हैं? देखिए मैं दो बार रामकोला से MLA रहा। रामकोला का कोई ऐसा गांव नहीं जो मैंने सड़क से न जोड़ दिया, जबकि दो बार में 7 साल में विपक्ष में रहा लेकिन संघर्ष करके लड़ करके मैंने एक नदी पर 3 बड़ा पुल बनवाया और 2 CSC बड़ा अस्पताल बनवाया। और जब मैं तीसरी बार और हाटा के लिए पहली बार 2012 में जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने आया तो हाटा विधानसभा में 70% ऐसे गांव थे कि जिस गांव में बिजली नहीं, सड़क नहीं, जहां के लोग पिच रोड नहीं देखे थे। मैंने वादा किया था कि हाटा विधानसभा की तस्वीर और तकदीर को बदल देंगे। 1904 की बनी हुई यहां तहसील थी जो पूरी तरह से जर्जर हो गई थी। बरसात के दिनों में SDM तहसीलदार कानगो और सभी कर्मचारी यहाँ प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल में बैठते थे कि छत गिर जाएगा। जाके देखिए मैंने नया तहसील यहाँ बनवाया आपके हाटा में। हाटा टाउन एरिया को नगर पालिका मैंने बनाने का काम किया और मेरे हटने के बाद जो 40 गांव नगर पालिका में मैंने समाहित करवाया उस 40 गांव को भी नगर पालिका की सुविधा में ही लोग समाहित नहीं करा पाए। हमारे हटने के बाद बिजली सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के तरह आज भी नगर पालिका के 39 गांव में मिलता है। ये यहाँ के लोगों, यहाँ के प्रतिनिधियों का काम है। 68 गांव मैंने लोहिया अपने विधानसभा में कराया, 25 गांव जनेश्वर मिश्र योजना में चयनित करवाया, ITI स्कूल बनवाया, पॉलिटेक्निक स्कूल बनवाया, डिग्री कॉलेज बनवाया। लेकिन 5 साल पिछले BJP की सरकार में और अभी 6 महीना लगभग पूरा हो गया, कोई बड़ा काम हाटा विधानसभा में नहीं हुआ। जिस सड़क को मैंने बनवा दिया है उस सड़क की मरम्मत भी ये लोग 50 साल में नहीं कर पाएंगे जितना मैंने काम किया है। और पूर्वांचल में आपके गोरखपुर बरहुआ से बड़ा मैंने बिजली घर बनवाया हूँ, 220 132 और 33 KVA का एक जगह 15 एकड़ ज़मीन में 1,40,00,000,000 की लागत से 2013-14 में और 2015-16 में हम 1.5-2 साल के लिए मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद
अकेले गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को मैंने 450 करोड़ रुपया दे करके मेडिकल कॉलेज को विकसित करने का काम किया है। मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे 500 बेड का बड़ा अस्पताल बना है, वो मैंने अपने कलम से बनाया है। जो आधुनिक MRI मशीन देखेंगे PGI के तर्ज पर, उसको मैंने लगवाया है। जो आप पैथोलॉजी देखेंगे आधुनिक, उसको मैंने कराया है। आज़ादी के बाद कभी गोरखपुर में कैंसर के जांच का कोई भी मशीन नहीं था, मैंने अलग विभाग कैंसर का आदरणीय अखिलेश यादव जी करके लगाया। गोरखपुर में सबसे महंगी जमीन एम्स के लिए मैंने संतुष्टि किया और माननीय अखिलेश यादव जी ने उसे आवंटित किया मेरे कहने पर। मैं उस विभाग का राज्य मंत्री था मेडिकल एजुकेशन में। गोरखपुर में एम्स बना तो मेरे संतुष्टि पर माननीय अखिलेश यादव जी ने जमीन दिया तो भारत सरकार ने बनाया। अगर हमने 3000 करोड़ की जमीन दिया, इसका क्रेडिट तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लेती है। अगर मैंने 3000 करोड़ की जमीन दिया तो 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च करके एम्स बनाने का काम किया। अगर मैं जमीन नहीं देता तो एम्स नहीं बना पाते। 500 करोड़ रुपया दे करके मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को हम लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। मैं चुनौती नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आपके माध्यम से बहुत अदब के साथ पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को ये एक योजना बता दें कि 5 साल वो बीत गया और 6 महीना ये बीत गया, कोई एक योजना गोरखपुर में 500 करोड़ की अपने मुख्यमंत्री के कलम से कराए हों तो बता दें। हम लोगों ने टेक्निकल विश्वविद्यालय दिया है जिसको स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने भी नहीं दिया, उसको अखिलेश यादव जी ने दिखा दिया गोरखपुर को। पूर्वांचल से ज़्यादा लगाव रहा नेताजी मुलायम सिंह यादव का भी और अखिलेश यादव का भी। जिस कुशीनगर में आप सौभाग्य से आज दौरा करने आए हैं, इस कुशीनगर में जो भी बड़ा काम हुआ है वो सब समाजवादी सरकार में हुआ है। जिला समाजवादी सरकार में बना, छितौनी रेल बगापुर समाजवादी सरकार में बना, कप्तानगंज में तहसील समाजवादी सरकार में बना, खड्डा में तहसील समाजवादी सरकार में बना। इसलिए हम समाजवादी जब सरकार में रहते हैं तो काम करते हैं, और सत्ता के बाहर रहते हैं तो सत्ता को आईना दिखाने के लिए संघर्ष करते हैं और मुकदमे की कोई परवाह नहीं करते हैं। आप मुकदमा का नाम लिए और मुझे कुछ दिन पहले आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात याद आ गई जिसमें आप कह रहे थे कि यदि मेरी हत्या होती है तो उसके जिम्मेदार यहाँ के कप्तान और यहाँ के SP होंगे। मामला क्या था? मामला है कि 1994 में जब मैं MLA नहीं था तो हमारी लड़ाई जब पूंजीपतियों से शुरू हुई, चीनी मिल मालिकों से और समाज के सामंतवादियों से, ये लोग मिल करके मेरी हत्या करवाना चाहते थे। एक बार नहीं, आधा दर्जन बार हमारे गाड़ियों पर हमला हुआ। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं 15 मिनट पहले उतर गया था और मेरे गाड़ी पर हमला हुआ। बिहार के अपराधियों ने हमला किया, मेरे ड्राइवर की मौत हुई। 1994 से मेरे साथ चाहे किसी की सरकार रही हो और कोई DM कुशीनगर रहा हो, कोई SP कुशीनगर रहा हो, इन लोगों ने संतुष्टि किया है कि ये पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा जनता के बीच में उपलब्ध रहते हैं। 12 बजे रात तक जन समस्याओं के लिए जनता के बीच घूमते रहते हैं। और बिहार और नेपाल के सटा हुआ कुशीनगर जिला है, इनको सुरक्षा की ज़रूरत है, मेरे साथ सुरक्षा रही है। अचानक कुशीनगर के SP और DM ने हमारा सुरक्षा हटा लिया कि हम आंदोलन न करें, हम इस सरकार में कोई बात अपनी न करें, ये तानाशाही है। इसलिए मैंने प्रेस वार्ता करके और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार के गृह मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय को एक लिखित रजिस्टर्ड डाक से मैंने पत्र भेजा है कि अगर मेरी हत्या होती है, जब तक मुझे सुरक्षा न मिले, तो कुशीनगर के SP धौल जायसवाल और कुशीनगर के जिलाधिकारी SRajalingam को हमारे परिवार के लोग
मुख्य अभियुक्त बनाएंगे मेरी हत्या होती है तो, क्योंकि अचानक सुरक्षा हटा लेना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, शासन तक बताना कि जिले में कौन नेता सक्रिय रूप से जनता के बीच में घूमता है। हम 12 बजे तक घूमते हैं और तमाम लोग जो मेरे राजनीतिक विरोधी हैं वो लोग किस ताक में हैं कि कब इनको हम कमजोर पावें कि इनके ऊपर हमला करें। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि पुलिस कप्तान और एसपी महोदय ने गलती की हमारी सुरक्षा हटा करके, और गलती का अंजाम अगर कोई मेरे ऊपर खतरा हुआ तो इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये तमाम आरोप और प्रत्यारोप और इन्हीं के बीच, चूंकि हम लोग इस वक्त हाटा में मौजूद हैं और ये नगर पंचायत का चुनाव भी सर पे है, और कहीं ना कहीं अगर हम दीवालों की तरफ अगर अपना रुख करें तो हर जगह पे पोस्टर बैनर लगना शुरू हो गया है, और जब हम हाटा में हैं या फिर कुशीनगर ज़िले की बात करें और कुशीनगर ज़िले में या फिर हाटा में कुशीनगर ज़िले के अंतर्गत जितने भी नगर पंचायत क्षेत्र आ रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं राधेश्याम जी का हस्तक्षेप जरूर रहता है, ऐसा लोगों का मानना है। नगर पंचायत चुनाव को लेकर और खासकर जो हाटा में नगर पंचायत का चुनाव होना है उसको लेकर आपकी किस तरह से नज़र है और क्या लग रहा है आपको, किस तरह जाने वाला है नगर पंचायत का चुनाव? देखिए, गांव सभा में आवास को बंद करके सरकार ने पूरा आवास नगरी क्षेत्र को दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में जितनी लूट हुई है जनपद कुशीनगर में 50-50 हज़ार रुपया खुलेआम मकान के नाम पर लिया गया है, जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं और अधिकारी भी शामिल हैं। इस सवाल पर जनता नाराज है। जो सरकारी धन आया है, अभी आप रास्ता पकड़ के देखेंगे तो 80-90% धन सिर्फ लाइट और सजावट पर खर्च हुआ है। सरकार पैसा देती है नाली बनवाने के नाम पर, जल निकासी के नाम पर। अभी बरसात आया है, जैसे लगा कि बाज़ार के अंदर, मुख्य बाज़ार के अंदर नाव चलाना पड़ेगा। कहीं नाली की निकासी नहीं, कहीं पानी की निकासी नहीं। अगर 5 साल के कार्यकाल की जांच करा लिया जाए तो करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार हुआ है, और चेयरमैन से लेकर के अधिकारी लोग जेल चले जाएंगे। जो अधिकारी और कर्मचारी प्रधानमंत्री के अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में 50 हज़ार रुपया खुलेआम घुस लेते हैं, वो लोग कहाँ विकास की बात करेंगे। इसलिए जनता ने मन बनाया है कि हम विकास के सवाल पर, काम के सवाल पर, हम भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने के नाम पर हम इस बार हराएंगे। जो अच्छा काम करेगा, जो ईमानदार होगा, जो भ्रष्टाचार को रोकेगा, हम उसे चुनाव जिताएंगे। और समाजवादी पार्टी के पक्ष में इस बार जनता ने मन बनाया है कि हम नगर पंचायत से लेकर के, नगर पालिका से लेकर के और नगर निगम तक उम्मीदवारों को जिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनसाइड भारत टीवी को आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और बहुत अच्छा लगा हाटा में आके और आपसे बातचीत करके। धन्यवाद आपको, ऐसे ही आते रहिए और जन समस्याओं को इनसाइड टीवी पर दिखाते रहिए, लोगों को जागरूक करते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, इनसाइड भारत टीवी को आज से पहले भी आपने, मतलब कि आप जानते थे, देखे हैं या फिर आज पहली बार मुलाकात हुई है? हम कई बार देखे हैं, अभी हम मैंने देखा कि कुछ दिन पहले चिल्लू पार के विधायक जो इस सरकार में मंत्री रहे हैं उनके गांव में आप गए थे, और उनके ही गांव में पानी के नाली के निकास का व्यवस्था नहीं था, और आपने सवाल खड़ा कर दिया, उन्हीं को घेरे में ले लिया। ऐसे लोगों को हम बहुत पसंद करते हैं, और आपको मैं बधाई देता हूँ कि आप बेबाकी ढंग से जो पूछते हैं आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी आपका, और हाटा में हम लोग मौजूद थे और
तमाम मुद्दे थे और बार बार कमेंट बॉक्स में और मैसेज बॉक्स में मैसेज आते थे, कमेंट आते थे कि कुशीनगर आइए, हाटा आइए और यहाँ के जो गन्ना किसान हैं उनकी आवाज़ उठाइए। उसी क्रम में आज हम लोग कुशीनगर आए हुए थे और संजोग था कि पूर्व मंत्री जी से मुलाकात हो गई और किसानों के मुद्दों पर बहुत ही बेबाकी से बात हुई और हाटा की जो मौजूदा हालत है उस पर भी बात हुई और रिसेंटली मंत्री जी की सुरक्षा हटाई गई उस पर भी बात हुई, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। और कुशीनगर में अभी हम लोग लगातार कुछ दिन तक रहेंगे और यहाँ की जो जन समस्याएँ हैं उसको उठाते रहेंगे। यदि आप कुशीनगर के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज बॉक्स में अपने गांव का नाम लिख के और वहाँ की समस्या लिखकर और अपना मोबाइल नंबर लिख के, अलग से बना लेते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख के हमें आप मैसेज कीजिए। अगर आपकी समस्या जन समस्या है तो हम आप तक जरूर पहुँचेंगे। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।